Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म जीरो का ट्रेलर 2 नवंबर के दिन रिलीज किया जा चुका है। इस फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सिर्फ 2 दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ व्यूज अपने नाम किए। इस फिल्म के ट्रेलर की चर्चाएं भी बहुत लंबे समय से थी और फैंस को इसके ट्रेलर का लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शाहरुख खान का 53वां बर्थडे इस ट्रेलर के साथ बहुत ही अच्छा बीता। और अब वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद एल रॉय, उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही खूब तरीके से डायरेक्ट भी किया है। वहीं अब इस मूवी का बिहाइंड द सीन वीडियो सामने आया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर इस फिल्म का बिहाइंड द सीन वीडियो जाहिर किया गया। इसके अंदर अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, शाहरुख खान और आनंद एल रॉय जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चारों साथ बैठे हुए नजर आए। इस वीडियो को जीरो का सच बताते हुए अपलोड किया गया है। इसके अंदर बताया गया कि कौन से एक्टर को कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया। तो वहीं सबसे पहली और बात करें तो शाहरुख खान से, तो शाहरुख खान से जब पूछा गया कि आपको कौन सा फेवरेट कैरेक्टर लगा इस मूवी के अंदर, तो उन्होंने बताया कि मेरे को कैटरीना कैफ का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि बबीता का रोल निभा रही है, जो इस फिल्म के अंदर एक एक्ट्रेस का रोल निभा रही हैं और बहुत बड़ी स्टार होती हैं। इसलिए शाहरुख खान ने इसके साथ ही बताया कि मेरे को स्टार वाला कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को हमेशा से ऐसा बनना था और मेरे को हमेशा से ऐसे रहने की इच्छा भी करती रहती थी और इस फिल्म के अंदर ये कैरेक्टर देख के मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहीं दूसरी और कटरीना कैफ जो कि बबीता का रोल निभा रही है, उनसे पूछा गया कि आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, तो उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट हार्टेडली आंसर दिया कि मेरे को अनुष्का का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, कटरीना कैफ ने बताया कि अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसी का कैरेक्टर देख के या फिर उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तभी उन्होंने आनंद एल रॉय के सामने रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाले लगा, क्योंकि अनुष्का शर्मा हमेशा से बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाती हैं और अच्छा रोल भी निभाती हैं, उनकी एक्टिंग भी बहुत दमदार है। उसके बावजूद उन्होंने इस फिल्म के अंदर ये कैरेक्टर निभा के अपने एक्टिंग करियर पर 4 चांद लगा दिए। उस तरीके से कटरीना कैफ ने अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दमदार और अच्छा भी बताया। तो वहीं जब इस फिल्म के तीसरी एक्ट्रेस यानी कि अनुष्का शर्मा से पूछा गया कि आपको इस फिल्म के अंदर कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि मेरे को बहुआ सिंह का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुआ सिंह बहुत ही ज़्यादा मज़े में रहता है और वो जब अपने पेरेंट्स डांट खाता है, पेरेंट्स को जवाब देता है, जिस तरह से वो मज़े करता है, मेरे को उसका कैरेक्टर बहुत ही शानदार लगा। तो वहीं जब आनंद एल रॉय जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपको कौन सा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तब उन्होंने सीधा सीधा एक ही जवाब दिया कि मेरे को रॉकेट का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो तीनों एक्टर्स को चिढ़ाना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि रॉकेट एक ऐसा कैरेक्टर था जो मेरी हर बात मानता था और मैं उसको जो करवाता था वो वैसे ही करता था, ना कोई डिमांड्स थी ना कोई डिस्कशन उसको कैरेक्टर के लिए करना पड़ता था। इस तरीके से आनंद एल रॉय ने सबको चिढ़ाते हुए रॉकेट का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा बताया। तो वहीं शाहरुख खान इस बात पर जवाब देते हैं कि फिर आप एक काम करिएगा कि अगली बार से सारे गाने, सारी शूटिंग रॉकेट से ही करवाइएगा, सारी चीज़ें रॉकेट ही कर देगा आपके लिए। तो इस तरीके से बिहाइंड द सीन्स के कुछ एक राज आपके सामने रिवील किए गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने ये ओरिजिनल वीडियो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में नहीं देखी है तो आप जल्द से जाके वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार तीनों ही एक्टर्स दिख रहे हैं। तो बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन, ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले।